सो गाइस आ चुके एक और नए वीडियो के साथ, और ये वाले मैच में गाइस हमें मिलने वाला है एक हैकर भैया, जो कि एक साइड का स्क्वाड जो है हम खत्म कर रहे हैं और एक साइड के जो बंदे हैं वो हैकर खत्म कर रहा है, और आखिरकार हमारी भिड़न हो ही जाती है आपस में। फिलहाल हम कूदे हैं देखो मिलिट्री बेस, और ऊपर भैया एक भी गन नहीं है। मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ कि हमारी जो किस्मत है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा गजब है। फिलहाल उसके बाद हमें टॉमी मिलती है और एक बंदा आ चुका है नीचे, इसको हम फटाफट खत्म करते हैं। और इससे गन लेने के बाद वो सोने वाली बिल्डिंग में और बंदे दिखते हैं, और यहाँ तुम्हारी भाई खोलता है नेड, और मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि यस वो पिटेगा ही पिटेगा मेरे नेड के बाद, और मैं कर देता हूँ उस पर रश। मेरा टीममेट मेरे पीछे पीछे आ रहा होता है, और वो बंदा अभी देखना कैसे मरेगा छोटी सी गलती के कारण। ये देखो दोनों के फुटप्रिंट आ रहे हैं, मैं जैसे इधर जाता हूँ ये बंदा अंदर जा रहा है, मतलब वो अंदर ही है, और यहाँ भाई साहब हो जाते हैं पूरे खत्म। अब एक टीम है जो टावर के पास होते हैं, मेरा टीममेट बता था उसके बारे में, तो अभी देखना भाई जो मुझे दिख रहा था उसको तो मैंने मार दिया, लेकिन पता नहीं मुझे किसने मारा। फिलहाल रिवाइव लेने के बाद एक बंदा ऊपर से कूदता है, और तुम्हारे भाई को वो दिख जाता है, और हम उसको देते हैं पेल। जैसे मैं उसको मारता हूँ उसको दूसरे को मारने लगता हूँ, मेरे पीछे एक और बंदा आ जाता है, और यही है वो हैकर। वो मुझे थोड़ा मारता है लेकिन मैं अंदर चला जाता हूँ। अभी देखो वो आ चुका है हमारी बिल्डिंग में। अभी गाइस आप लोग खुद डिसाइड करना है यार, देखो वो कैसे कैसे मार रहा है। फिलहाल उसका ऑडियो प्रेडिक्शन करके मैं यहाँ उसको एक आधी गोली मारता हूँ, लेकिन देखो मुझे मूव करते करते गोली लगी। अभी देखना उसका एम डायरेक्ट हेड पर ही होगा, देखना हेड की जहां पे हेड है वहीं पे गोलियां आएगी। ये देख रहे हो जहां मेरा हेड है वहीं पे एग्जैक्ट गोलियां आ रही है। यहाँ मेरा टीममेट बोलता है कि मैं नेड करूँ क्या, मैं उसको बोलता हूँ कर भाई। देखो हमारे टीममेट्स बहुत प्रो हैं, अभी देखना क्या होगा। भैंचोद मुझ पे नेड कर दिया भाई इसने। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यस तू उस बिल्डिंग उसके पीछे हो जा, दरवाजे के पीछे, मैं इसके पीछे रहता हूँ। अभी देखो वो अभी तक आया नहीं है बिल्डिंग में, लेकिन उसको डायरेक्ट पता है कि हम लोग भाई कहाँ बैठे हैं, और वो भी दो बंदे। देखना अभी आखिर कैसे मारेगा उसको मेरे टीममेट को। भाई साहब उसने डायरेक्ट दरवाजे के पीछे उसको मारना शुरू कर दिया, और उसने उसको मार दिया, लेकिन फिलहाल मैंने उसको मार दिया पूरा। और यहाँ हम आ जाते हैं अपनी तीन फ्लेयर के साथ, तुम्हारे भाई को तीन फ्लेयर मिली हैं, हमारी किस्मत पूरी एकदम खुल चुकी है। और तब तक एक गाड़ी रश कर देती है, हमने तभी तक फ्लेयर भी नहीं लूटी थी लेकिन वो गाड़ी रश कर चुकी है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यस डैमेज है क्या, तो ये बोलता है कि हाँ थोड़ा सा डैमेज है, तो यस हम फटाफट से ऊपर घुसते हैं, और भी देखना फुल स्ट्रेटेजी वाइज घुसेंगे ऊपर भी। मैं जो है पहले थोड़ा अंदर जाता हूँ और उसके बाद उसको मारता हूँ, और यहाँ तुम्हारे भाई को मिल जाती है अपना फेवरेट कॉम्बो, तो नहीं बोल सकते लेकिन भाई देखो ओम तो सबसे फेवरेट है, और M249 भी ठीक है, चलो चलाने के लिए हमारा काम चल जाता है, लेकिन इसकी बजाय अगर ग्रोजा होती तो भाई वो मेरे लिए और बेहतरीन होती। फिलहाल एक गाड़ी वाले हम पे रश कर चुके हैं, और ये नीड वेड फोड़ने की तैयारी करेंगे मुझे ये पता है, लेकिन उतनी देर में आ जाते हैं भैया एक बॉट। भाई साहब मेरा टीममेट उसको मारता है, और एक सामने वाला बंदा उस मेरे टीममेट को मारता है, और एक खाता है वो हेडशॉट और चुपचाप बैठ जाता है। अब उसका दूसरा बंदर एक बिल्डिंग के सामने होता है बंदा, और मैं उस पर करता हूँ रश फटाफट से, वो रिलोड लेके पीछे जाता है, तो मैं फटाफट उसको बोलता हूँ कि आजा फटाफट थोड़ा पास ही। जैसे आता है हम M249 खोल देते हैं और लॉन्डे को भर देते हैं, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखना ओवर कॉन्फिडेंस दिखेगा आपको भाई साहब। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। भाई उसको मार रहा हूँ मरा नहीं पता नहीं कैसे, लेकिन फाइनली यहाँ पे मैं नोक हो जाता हूँ थोड़ा सा हगने के बाद, और उसके बाद मेरा टीममेट उसको मार देता है, यहाँ हम फाइनली बच जाते हैं भाई। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अब लास्ट दो बंदे बचे थे, और एक बंदा मुझे स्पॉट होता है ऊपर भागता हुआ पेड़ पे, सो यस इसको मार रहा होता हूँ। मेरा टीममेट बोलता है इधर पत्थर पे बंदा, और वो होता है हेडशॉट। अब बचा है वो लास्ट वाला बंदा,
जिसको कि हम मारेंगे मारेंगे ऑफ कोर्स। एक लगा लौंडे को हेडशॉट और लौंडा होता है यहाँ पे डेड। और फाइनली हो जाते हैं हमारे 18 अगस्त चिकन डिनर। देखो किल्स कम है मुझे पता है, लेकिन भाई अगर हैकर नहीं होता तो मेरा उतना टाइम वेस्ट नहीं होता वहाँ पे। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो बताना है फटाफट से कमेंट्स में, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करके जाना है। बाय बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।